हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेकंड ऑफ द क्लास 11th केमिस्ट्री. द नेम ऑफ चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड ऑन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन एनोड रेज. वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. द एमिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैसेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब सजेस्ट दैट सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन दैम. ठीक है, जो आपका एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक है, देयर इज सम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं आपका अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है, ये न्यूट्रल है. ठीक है, द एमिशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब जो एमिट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम. ठीक है, एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट हो रहे थे तो डिस्चार्ज ट्यूब में, वहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन देम. अगर आपका एटम न्यूट्रल है, अगर आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, तो देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज आल्सो प्रेजेंट इन द एटम. कहीं ना कहीं आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी एटम्स में प्रेजेंट है. इन 1886 गोल्ड आइंस्टाइन मॉडिफाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बाय द यूजिंग ऑफ ए परफोरेटेड कैथोड. ठीक है, अब क्या किया गोल्ड आइंस्टाइन. ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो आपके जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की. उसने क्या किया, जो कैथोड रेज यूज़ की वो क्या थी, परफोरेटेड, मीन्स उसमें क्या है, होल्स क्रिएट किए. ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर ही ऑब्जर्व्ड ए न्यू टाइप ऑफ ल्यूमिनस रेज पासिंग थ्रू द होल्स और परफोरेशंस ऑफ द कैथोड एंड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द कैथोड रेज. दस दीज रेज कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग अवे फ्रॉम द एनोड एंड वर नेम्ड एज पॉजिटिवली रेज और एनोड रेज और ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज. अब जो एक्सपेरिमेंट है सिमिलर था डिस्चार्ज ट्यूब जो जे.जे. थॉमसन ने यूज़ किया. ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या किया, जो कैथोड रेज थी और एनोड रेज. ठीक है, तो यहाँ पे एनोड रेज जो एनोड रेज थे, एनोड जो आपका कैथोड और एनोड यूज़ किया. ठीक ठीक है, तो कैथोड पे क्या है, उसने कुछ होल्स क्रिएट किए. ठीक है, अब क्या है, जो जब हाई वोल्टेज क्रिएट की तो उसने क्या नोट किया, जो कैथोड रेज है वो तो मूव कर रही है आपकी कैथोड टू एनोड. ठीक है, वो तो कैथोड टू एनोड मूव कर रही है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है आपके, इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, वहीं पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कुछ एक रेज क्या है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, आपकी कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, तो वो कौन सी रेज थी आपकी, जो पास हो रही थी इन होल्स से. ठीक है, जो आपके कैथोड में क्रिएट किए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या नोट किया कि ये जो रेज है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज. मींस ये क्या है, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मींस ये अट्रैक्ट करेगी कैथोड की, और कैथोड में क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये मूव करेगी एनोड टू कैथोड. ठीक है, जो आपकी कैथोड रेज है. ठीक है, ये मूव करेगी आपकी कैथोड टू एनोड, और जो आपकी कैनाल रेज है, कैनाल रेज ये करेगी आपकी एनोड टू कैथोड. ठीक है, और ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये यहाँ पे क्या है, आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इनको क्या क्या बोलते हैं हम, एनोड रेज भी बोल सकते हैं, कैनाल रेज भी, और पॉजिटिव रेज भी. ठीक है, तो इस टाइप से जो गोल्ड आइंस्टाइन ने हैं ये एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, ऑरिजन ऑफ द एनोड रेज. इट इज बिलीव्ड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट द एनोड रेज
आर फाउंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट फ्रॉम द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बाय द पार्टिकल्स ऑफ द फास्ट मूविंग कैथोड रेज. दस दीज रेसिडुअल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन नॉक्ड आउट. ठीक है, ये जो आपकी जो पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये आपके पास कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं जब आपका क्या है मतलब कैथोड रेज मूव कर रही है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो एटम्स में से क्या नॉकआउट हो रहा है, एटम्स में से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं. ठीक है, एटम क्या है, न्यूट्रल चार्ज है. ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है एटम से, तो देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज अराइज अराउंड द एटम्स. ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है आपका, सॉरी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो कैसे फॉर्म हो रहा है ये, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है, नॉकआउट हो रहा है एटम्स में से, एटम्स के शेल से आपका इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है एटम्स में, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो आपका क्या अराइज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज. सो एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द एनोड बट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड. ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड पे नहीं क्रिएट हो रहा है, ये कहाँ है, बिटवीन एनोड और कैथोड में, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है आपका एटम्स में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एटम्स क्या है, न्यूट्रल है. ठीक है, खुद क्या है वो, न्यूट्रल, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और आपका नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, बट क्या कर रहा है, अभी तो न्यूट्रल है, यहाँ से क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है तो एटम्स के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, इस टाइप से आपकी क्या है पॉजिटिव रेज अराइज होगी. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड rays were studied in the same way those of the cathode rays. A few important characteristics are listed. First is anode rays travel in straight line. ठीक है, जो आपकी anode rays भी है वो क्या है, straight line में आपकी travel करेगी. Anode rays consist of material particles. They rotate the light pedal wheel placed in their path. ठीक है, तो ये भी क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स की फॉर्म होती है. ठीक है, जो आपकी कैथोड रेज भी है वो भी क्या है, आपके मटेरियल पार्टिकल्स की फॉर्म होती है. एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो आपकी एनोड रेज है वो क्या है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, डिफ्लेक्ट करती है. बट दिस इज़ द अपोजिट टू द डिफ्लेक्शन नोटिस्ड इन कैथोड रेज. बट ये क्या है, अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करता है कैथोड रेज के. ठीक है, दिस शोज दैट एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ठीक है, इससे क्या हमें पता चलता है कि जो आपके एनोड रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल कंस्टिट्यूएंटिंग द एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है, जो आपकी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो पार्टिकल की, वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की, किस नेचर की गैस आपकी डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की है. हाउ एवर इट इज़ फाउंड दैट वोल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बट विद द पॉजिटिव साइन. दस द पार्टिकल कंस्टिट्यूएंटिंग एनोड रेज कैरी 1, 2, 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट फ्रॉम द गैसेस एटम. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन सॉरी पॉजिटिव जो चार्ज है आपका एनोड रेज का, वो डिपेंड करता है आपका कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके नॉकआउट हुए एटम्स में से. ठीक है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपका एटम्स पे अराइज होगा. ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आपका जो चार्ज शो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव साइन में शो होगा. ठीक है, और जो आपका कैथोड रेज में था वो नेगेटिव साइन में शो होगा. ठीक है, द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इनक्लोज इन द डिस्चार्ज ट्यूब. और जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो भी डिपेंड करता है आपके जो गैस आपकी
डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की गई है. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इनक्लोज द वैल्यू ऑफ इज फाउंड टू बी मैक्सिमम 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम. दिस इज क्वाइट एक्सपेक्टेड बिकॉज द हाइड्रोजन एटम इज लाइटेस्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज सेम ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻¹ कूलम. द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मे बी कैलकुलेटेड एज दिस. ठीक है, तो आपका क्या है, मास ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज इज सेम ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज भी सेम होगा और नेगेटिव चार्ज भी सेम होगा, बट पॉजिटिव में क्या है, आपका प्लस साइन यूज होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन की केस में है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या है, मास भी फाइंड आउट करते हैं. मास क्या होगा, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम. चार्ज टू मास रेशो ऑफ द प्रोटोन. ठीक है, अब बात करेंगे हम चार्ज टू मास रेशो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में भी हमने चार्ज अपॉन मास रेशो फाइंड आउट किया था. ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या है, फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पॉजिटिव रेज वॉज फाउंड टू वी वेरी विद द नेचर ऑफ द गैस. और जो ये चार्ज है पॉजिटिव रेज का, स्पेसिफिक चार्ज, वो वेरी करता है विद द नेचर ऑफ द गैस. इट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन. द चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर द प्रोटोन वॉज फाउंड टू बी 9.7 × 10⁷ कूलम पर केजी. ठीक है, हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस जो आपका लेक्चर में है उसमें भी हमने क्या किया था, 9 point something आपका फाइंड आउट किया था चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट है सिंस चार्ज ऑन द प्रोटोन इज द सेम ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन्स में हो चाहे प्रोटोन हो, ठीक है, तो चार्ज ऑलवेज आपका सिमिलर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की केस में वो नेगेटिव आ जाएगा, −1.6 × 10⁻¹ कूलम, और जो आपके प्रोटॉन के केस में वो पॉजिटिव सिग्नेचर के साथ 1.6 × 10⁻¹ कूलम आ जाएगा. मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 × 10⁻²⁷ kg. ठीक है, तो आपका मास अपॉन प्रोटॉन रेशियो क्या आ जाएगा, जो आपका मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या आ जाएगा, 1.673 × 10⁻²⁷ अपॉन 9.11 × 10⁻³⁶ kg. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू 1836 आ जाएगी. ठीक है, द मास ऑफ द प्रोटोन इज 1836 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स आपका जो मास ऑफ प्रोटोन है वो आपके 18 टाइम होगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतना हैवियर होगा ये, मीन्स 1836 टाइम्स आपका हैवियर होगा इलेक्ट्रॉन से जो आपका प्रोटॉन है. ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आप मास अपॉन प्रोटॉन रेशियो और आप क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन निकाल सकते हैं.